नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करेंगे हाई कोर्ट की सीधी भर्ती के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे उच्च न्यायालय की सीधी भर्ती के बारे में। इस भर्ती का दोस्तों नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। दोस्तों यदि आपका सपना है हाई कोर्ट में काम करने का और यदि आप इस भर्ती के लिए एलिजिबल हैं तो दोस्तों आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही खास है। इसमें दोस्तों ग्रुप डी पोस्ट की भर्ती हो रही है और इस भर्ती के लिए आप 17 अप्रैल से ही अप्लाई कर पाएंगे। दोस्तों यदि आप चाहते हैं कि प्रत्येक सरकारी नौकरी की रियल व ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो तो दोस्तों जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। दोस्तों भर्ती की पूरी इन्फॉर्मेशन समझने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहेगा। इस वीडियो में दोस्तों आपको स्टेप बाय स्टेप सारी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी कि आज की भर्ती में किस किस पोस्ट की भर्ती है, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए और इस भर्ती का लोकेशन क्या है। दोस्तों ये सारी इन्फॉर्मेशन हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इस भर्ती से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के बारे में। तो गाइज आगे बढ़ेंगे, जैसे बता दोस्तों आज हम बात करेंगे हाई कोर्ट की सीधी भर्ती के बारे में, यानी कि दोस्तों आज की भर्ती है उच्च न्यायालय की। दोस्तों इस भर्ती में सैलरी की बात करें तो सैलरी आपको एज़ पर रूल्स दी जाएगी। फीस की बात करें तो इस भर्ती में आपको 300 रुपये फीस का पेमेंट करना दोस्तों, और SC ST तथा PWD के लिए फीस एग्जेम्प्टेड है, यानी कि इनको किसी भी प्रकार की फीस का पेमेंट नहीं करना। जिन कैंडिडेट को फीस का पेमेंट करना है वो फीस का पेमेंट ऑनलाइन मोड से ही कर पाएंगे। दोस्तों जहाँ तक इस भर्ती में सिलेक्शन प्रोसेस की बात है तो इसमें आपका एग्ज़ाम तथा इंटरव्यू के बेसिस पे दोस्तों सिलेक्शन होगा। अप्लाई मोड की बात करें तो इस भर्ती के लिए आपको ऑनलाइन मोड से अप्लाई करना है। दोस्तों जहाँ तक डेट्स की बात है तो जैसे बताया कि इस भर्ती के लिए आप 17 अप्रैल से ही अप्लाई कर पाएंगे। 17 अप्रैल से लिंक एक्टिव हो जाएगा अप्लाई करने के लिए और इसकी दोस्तों क्लोजिंग डेट है, लास्ट डेट है 1 मई 2023। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं कि इस भर्ती में किस किस पोस्ट की भर्ती हो रही है। तो दोस्तों इसमें भर्ती हो रही है ऑफिस पियोन की, क्लास 4th की, ऑर्डरली की तथा माली की। क्वालिफिकेशन की बात करें तो इस भर्ती के लिए क्वालिफिकेशन रखी गई है RP पास, ठीक है। तो अब बात करेंगे आयु सीमा के बारे में, एज लिमिट के बारे में। तो दोस्तों इस भर्ती के लिए आयु सीमा रखी गई है 21 साल से 35 साल। साथ ही साथ आपको कैटेगरीज वाइज एज रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा। दोस्तों आपको मैं भर्ती की नोटिफिकेशन दिखा देता हूँ, इसका लिंक मैंने दे रखा है। और अब बात करेंगे इस भर्ती के लोकेशन के बारे में। तो बेसिकली ये भर्ती है हाई कोर्ट ऑफ उड़ीसा की। बेसिकली इसमें आपको 2 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रखा जाएगा और उसके बाद आपको परमानेंट किया जाएगा बेस्ड ऑन योर परफॉर्मेंस, ठीक है। तो गाइज ये था आज की भर्ती का सो डिटेल। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों यदि आप दूसरों का भला चाहते हैं तो इस वीडियो को अपने दोस्तों व जानकारों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। और दोस्तों यदि आपका इस भर्ती से रिलेटेड कोई डाउट है और कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर कमेंट करके पूछिएगा, ठीक है दोस्तों। तो गाइज़ आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएँ। थैंक यू सो मच।